अब प्रश्न में और कई चीजें आ जाती हैं, कुछ कॉम्बिनेशन तो वो सेम ही लगेंगे जैसा मैंने पढ़ाए हैं, मैरिज कब होगी वही सेम कॉम्बिनेशन 2711, कब तक नहीं होगी 1667, प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे कब नहीं खरीदेंगे उसके कॉम्बिनेशन दिखेगी, कब उसका कॉम्बिनेशन है 3510, विदेश कब जाऊँगा 3 दोबारा, कनाडा कब जाऊँगा 3 दोबारा ही है स्पेशल कॉम्बिनेशन। अगर वो पूछते मैं कनाडा कब जाऊँगा, क्या इस साल मैं कनाडा जा पाऊँगा, तो अगर इस साल 3 दोबारा नहीं आ रहा तो इस साल कनाडा नहीं जा रहा, लेकिन इस साल हो सकता है जन्मपत्री में 3 दोबारा हो तो वो कहीं और जा सकता है, कनाडा नहीं जा सकता, जन्मपत्री बता रही है 3 दोबारा। वो पूछ रहा है क्या मैं इस साल कनाडा जा रहा हूँ, और जन्म जो प्रश्न मुरली बता रही है कि वो 3 दोबारा नहीं आ रहा तो वो इस साल कनाडा नहीं जा रहा, हो सकता है वो 3 दोबारा कहीं और का है कनाडा का नहीं, कुंडली में है और प्रश्न कुंडली में डिफरेंस हो सकता है जन्म कुंडली में और प्रश्न ज्योतिष में, लेकिन प्रश्न ज्योतिष क्योंकि स्पेसिफिक है वो स्पेसिफिक कर देंगे स्पेसिफिक आंसर देंगे उस पर्टिकुलर मोमेंट का, ठीक है। इसके बाद ये और चीज़ है कि जन्म पत्री के अंदर प्रश्न ज्योतिष के अंदर जैसा आदमी सवाल पूछे आपको उसी से ही रिलेटेड रहना है आगे नहीं जाना। जैसे उसने पूछा कि क्या मेरी शादी सनी लियोनी से होगी, उसने वाला पूछ सकता है उसका उसकी मत है, उसकी जन्मपत्री में 2711 उसकी शादी किससे भी हो सकती है इससे नहीं हो सकती। एक दूसरी वो पूछता है क्या मेरी शनि लियोनी से इस साल शादी हो सकती नहीं हो सकती, आपको इस प्रश्न ज्योतिष इस प्रश्न मुंडली को एक साल तक ही देखना है। इस साल का मतलब अगर वो 2014 पूछ रहा है तो आपने 31 दिसंबर तक ही 2711 देखना है, 2015 में 2000 अगर मैरिज कर रहा है तो वो वैलिड नहीं है, हो सकता है उसकी शादी हो जाए सनी लियोनी से 2018-2020 हम नहीं जानते, आ जाएगा तो हो जाएगी क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा तो हो जाएगी, करनी पड़ेगी सर सनी लियोनी से चाहिए उसके मन की भावना है, सनी लियोनी का मतलब नहीं है पूछ वो रहा है मैं पूछ नहीं रहा, इस प्रश्न के पैसे में ज्यादा लूंगा मतलब उसी पीरियड क्या मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा पास या फेल होऊंगा तो वो इसी एग्जाम का देना। अब इसमें एग्जाम का भी है कि एग्जाम उसमें पूछना है कि 2015 में ये जो भी एक्स वाई जेड मैंने एग्जाम दिया तो आपने 2015 का ही देखना, आपने उसके बाकी प्रेडिक्शन नहीं देनी, तेरे एजुकेशन ऐसी रहेगी वैसी रहेगी बहुत बढ़िया रहेगी ना ना, उसी का जब वो एग्जाम जिस एग्जाम का पूछो। इसके बाद है कि कई बार आदमी एक नहीं और भी प्रश्न पूछना चाहते, प्लीज ट्राई टू आंसर ओनली वन क्वेश्चन इन अ डे इन अ डे ऑन द बेसिस ऑफ प्रश्न चार ट्राई टॉपिक का मतलब यह है कि उसने पूछना है कि मेरी बेटी की शादी कब होगी एग्जाम्पल, अब वो पूछता है मेरी बेटी की मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, अगर उसका उसके लिए हमने अलग से सीट नहीं देना वो उसी टॉपिक पे बात करते, क्या मेरी बेटी की शादी लव मैरिज होगी अगर 5 आ रहे हैं तो आपने बता देना, उसी सीट से रहेगा उसमें नहीं बदलेगा, वो एक टॉपिक है पूरा उसमें 6 क्वेश्चन हो सकते हैं सीट वही का वही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रश्न भी वो पूछ सकता है सर, कई बार जस्ट लाइक टीवी पे प्रोग्राम होता है तो व्यक्ति पता नहीं चलता दोबारा भी उसका कॉल लग सकता है, वही व्यक्ति पूछ रहा है तो तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि आपने किया प्रोग्राम तो इसलिए नहीं नहीं दोबारा नहीं लगता पहले ही बड़ी मुश्किल से अब ये कोई पूछता है कि मेरी बेटी की शादी मतलब ये एक्स से होगी वाई से होगी या जेड से होगी, ये एक ही टॉपिक है
इस पे आप तीन अलग अलग सीट ले लेंगे, 33, 143, 241, व्हाटएवर आपने तीन ले लिए, और तीनों को आपने देख लेना है, जिसमें 211 आ गया इससे शादी, ये एक ही टॉपिक है, सीट आपने तीन दिए, शोर है कि एक ही में आएगा तीन, मतलब हाँ एक एक जोक से बात एक ही में नहीं है। अब या लड़की पूछती है मैं इससे, वो ये पूछती है मैं किससे शादी करूं, वो अलग चीज है, मेरी किससे शादी होगी वो अलग चीज, मैं किससे शादी करूं, दो सीट देखती है तो हमने देखना है किसी में पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है, इससे मेरी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, जैसे या उसकी दोनों दो तीन लड़कों की, तीनों लड़कों के डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ है तो हम देख सकते हैं किस बच्चे की नेचर प्रोफेशन ज्यादा अच्छा है तो हम उसका एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन अलग चीज है कि किससे होगी, उसके अलग तीन सीट है। हाँ जी बताइए, एक लेडी आई है वो कहती है कि मेरी बेटी की शादी आज उस टाइम ओके ये बी सी, तो फिर लोग दूसरा सवाल पूछे कि मेरा घर कब बनेगा, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ सर, तीसरा पूछे कि सर उसी पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे प्यार ठीक है ठीक है। दूसरा अगर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लीज टेक इट, प्लीज टेक इट, नो प्रॉब्लम, और वो बोलता है मैं सस्पेंडेड हूँ, मैं रीइंस्टेट का हूँ, इट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, और वो बोलता है मेरा मकान नहीं बन रहा काफी टाइम से, यू से कम टुमारो, तो पिछले 10 साल से पानी नहीं रहा, अब 2 दिन में तो कोई आग नहीं लगेगा, ठीक है ना, इट इज बेटर यू कम, मतलब ये है कि क्वेश्चन के लिए ग्रहों ने भेजा है तो उसी से पर्टेनिंग आंसर आएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हमारे 5-10 और भी हो सकते हैं, मेरे 5-10 और हो सकते हैं, मेरी बेटी 22 साल की होगी उसकी शादी करूंगी, मेरा बेटा फाइनल में जाने वाला उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, या उसके लिए जॉब करनी ठीक है, मेरी मेरी जो बहन है उसके बहने 6 हैं उनके 3-3 क्वेश्चन अलग से, सो मेनी ऑर्डर, डू नॉट ट्राई टू टेक मोर, ओनली वन क्वेश्चन ट्राई, सर इफ सेकेंड इज इम्पोर्टेंट इवन थर्ड इज इम्पोर्टेंट बट ट्राई टू रिमेन इम्पोर्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है ये बात होगी। अब है कि कई टाइप के क्वेश्चन है जो उस पर आ रहा था कि कई क्वेश्चन है जिन जो ऐसा प्रॉपर्टी कब दूंगा, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, वो तो हमने एज इट इज लेते जाने, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जिनके मैंने कॉम्बिनेशन आपको नहीं पढ़ाए, उसके कॉम्बिनेशन आपको खुद अपने आप बनाने, ठीक है कैसे बनाए, अब आप कैसे बनाओगे मैं बता, क्वेश्चन सारे टेढ़े मेढ़े बताता हूँ, मैं गंडेरी की रेडी लगाता हूँ, मैं अगर आम की रेडी लगाऊ तो मेरे को गंडेरी की रेडी में ज्यादा प्रॉफिट होगा या आम की रेडी ज्यादा, बड़ा इजी था, गंडेरी की रेडी का नंबर 21 ले लो, आम की रेडी का जो भी वो दे 124 आ रहा है, आपको दो नंबर लेने, जिसमें 2, 6, 10, 11 ज्यादा आएंगे वो वाला उसको बिजनेस ज्यादा फलेगा, ये रेडी रूडी मैंने इसलिए बोलिया ताकि थोड़ा क्वेश्चन टिकलिश हो। अब वो बंदा ये बोला कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, अगर मैं ये बिजनेस करूँ तो विच विल बी बेनिफिशियल दिस और दिस, जिसमें 2, 6, 10, 11 वो वाला बिजनेस, ठीक है, मैंने पेंट का कपड़ा दिया है बिजनेस 2, 7, 10, 11, 6, 7 कुछ, मैंने पेंट का कपड़ा दिया दर्जी को सिल दे, उसकी दुकान हफ्ते से बंद होगी, वो पेंट का कपड़ा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, रिकवरी ऑफ एन आर्टिकल है कुछ खास तो बड़ी चीज, पीछे की सड़क कब बनेगी, ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो शॉर्ट ट्रेवल है वो ठीक है, ठीक है ना, वो 3 है, 3 के साथ 11 भी हो जाएगा, या कोई भी पॉजिटिव सिर्फ अभी 3 हो जाएगा तो हो जाएगा,
कौन सी टीम मैच जीतेगी? नॉर्मली ऐसा करेंगे कि कौन सी जीतेगी नहीं करेंगे, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया? मेरी तो इंडिया, क्या इंडिया जीतेगी? अगर वो दो का पूछता है पता, मुझे नहीं कुछ पता है, मेरी कोई फेवरेट नहीं, तो आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अलग अलग सीट लेंगे जिसमें 2, 6, 10, 11 स्ट्रॉन्गर और एसेंडेंट से ही देखेंगे ना सर। देखना है एसेंडेंट से, ठीक है ना, लेकिन ट्राई अवॉइडिंग दिस क्वेश्चन, ये ठीक नहीं आते, अगर ये ठीक आने लग जाएंगे तो ज्योतिष मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। उसका इंटेंशन ठीक नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं? कीड़े मेरे सर, मैंने पूछा था सर, मैंने खड्डों में जाओगे सर, ये पहले बताओ ये सर्वेंट है कौन? नहीं सर, बार बार आप इतने टेंशन में हो, इसका नाम बताओ। घर में जैसे सर्वेंट होते हैं, मेरा कोई सर्वेंट नहीं, मैं एक वैसे। नहीं नहीं सर, ये परजाई का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, कल नहीं बताए, फिर ये बताएं कि उसका नाम क्या है, फिर चीज हम बताए क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं उनका नाम बताता हूँ, जो उसका नाम है जैसे शांति नाम, ठीक है। शांति हैज टेकन द लीव फॉर वन मंथ एंड शी हैज गॉन टू से यूपी, यूपी ओके नेपाल, ओके नेपाल, ठीक है। तो वो कब आएगी हमारे पास? आएगी भी आपको बेचैनी हो रही है, नेपाल गई है, उसका नेटिव प्लेस नेपाल है, तो अगर ये वापस यहाँ आ रही है तो 3 नंबर प्रश्न, अगर 3 नंबर 12 तो अगर करंट में आ रहा है तो वहां से चल चुकी है, ओके। अगर दशा भुक्ति में 3 नंबर 12 अंतरे में 10 दिन 12 दिन बाद अंतरा या 20 दिन बाद अंतरा बदल रहा है, वो 3 नंबर 12 रहा तो तब चलेगी, ठीक है सर। अब ये 3 नंबर 12 कहीं और का नहीं है, ये आपके पास आने का, क्योंकि प्रश्न आपका है। अगर वो 2, 4, 11 नहीं रहता या कुछ और आता, 3 नंबर 12 नहीं आता, तो आपके पास नहीं आएगी। ये इसको रोटेट करेंगे ना, घुमाएंगे उसकी तरफ, उसके लिए 3 नंबर 12 होगा। लेकिन आपने अपना रिलेशन क्लियर रखना है कि आपका उससे रिलेशन कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ सर, समझ रहे मेरी बात सर, इसी में है छोड़ के मेरे घर काम करने सर, ये तो नेपाल से है, अगर कोई नजदीक बहुत अरे सर बड़े जितने बड़े शहर है वहां से सिर्फ यही सवाल आते हैं फोन पे, देखना सर, देखना सर, आप मुझसे अकेले में मिले घर का काम ही ना होता है, हमें ही करना पड़ता है, नहीं चाहे कितनी भी दूर नहीं है, चाहे वो 50 किलोमीटर हो जाए, चाहे 250 किलोमीटर, उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए कॉम्बिनेशन वही है 3 नंबर, वो अपने घर जा रही है तो 2, 4, 11 है, वो घर से इधर आ रही है, उसका जो मेन रेजिडेंस है उधर, उसको हम वहाँ 3 नंबर हमारी तरफ है, उसकी तरफ 2 चलिए ना, या वो कब जाएगी 2 चलिए, ठीक हो गया सर। आपने तो कोई पूछना नहीं मेड का, ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप खुद ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दूसरा जो भी क्वेश्चन, अब जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन प्रोफेशन लिटिगेशन इनसे रिलेटेड है, उनके सबके पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है 2, 6, 10, 11 और नेगेटिव कॉम्बिनेशन है 6, 8, 12 सभी के। अब एक क्वेश्चन है सर,
कि एमसीडी कूड़ा फेंक, एमसीडी काफी टाइम से यहाँ से कूड़ा नहीं उठा रही, एमसीडी समझते थे हमारे यहाँ दिल्ली में होती है, एमसीडी होती है मुझे कमीशन दो, तो उसके बाद के पॉजिटिव दो से दस का नेगेटिव चेयर हुआ। तो अब वो है कि कूड़ा उठाने का काम वो एमसीडी का है, तो वो काफी टाइम से गाड़ी नहीं आई उठाने के लिए, तो वो कब उठाएगी? तो उसके लिए पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्या हुआ? इट इज नन ऑफ कॉम्पिटिशन, नन ऑफ प्रोफेशन, नन ऑफ लिटिगेशन, डजंट कम फ्रॉम हियर। यू इज जस्ट टू फील कि ऐसे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें जो पूछने वाला है अगर कूड़ा उठ जाएगा तो उसको क्या बेनिफिट है, व्हाट विल बी द बेनिफिट, भैया कूड़ा पड़ा तो उसको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ हो कूड़े से, गंदगी, स्मेल, गंदगी, फाउल स्मेल, फीलिंग बीमारी, ठीक है, चला जाएगा तो बेटर है, ठीक है। तो नेगेटिव के कौन से होंगे? स्मेल, बीमारी, नेगेटिव के कौन से? पॉजिटिव के कौन से? दो पॉइंट, हेल्थ, फीलिंग, रिलैक्सेशन, फीलिंग गुड, फील बेटर। सर आपका माफी, मैं रिलैक्स करने जा रहा हूँ वहाँ पर, ये बार बार आप कहते हो थाईलैंड जाने की, ये क्लास है, ठीक है ना, हेल्थ, फीलिंग, ठीक है, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, इसके सबके जो पॉजिटिव है वो 2, 5, 9, 11 है, नेट नेगेटिव है 6, 8 बार, तो नेगेटिव सारे 6, 8 बार मोटे तो। इसलिए कूड़ा भी पड़ा है और शांति भी नहीं है, सारे 6, 8 बार लेकिन यार ये बनाओ जा भी नहीं, अपन का सवाल है कूड़ा भी पड़ा हुआ और शांति भी गई, 6, 8 बार नहीं नहीं, अब इसका मतलब बर्तन भी आप ही धोने सर, कपड़े भी आप ही धोने, बस आप अपने अपने जीवन पे कंसंट्रेट करो, कूड़ा भी गाले कहीं नहीं जाना, जीवन को रख लो, जीवन क्यों बोला, नहीं मन को संभाले रख, मन को संभाले रखो, कोई नहीं आ सर। नाउ मैं इलेक्ट्रिसिटी का पूछ रही हूं, इलेक्ट्रिसिटी मैडम आ जाते हैं, मैडम बिजली का आ जाते हैं, बिजली भी आ रहे हैं अभी, अभी नहीं, अभी मैं नहीं, अभी नहीं बुला रहे, लंच के बाद में आएंगे, ठीक है। अभी एक लास्ट चीज रह गई है इसमें, दैट इज थेफ्ट, ठीक है, एक और